विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सायाहपुर नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी तनवीर खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पर जमकर बरसे। मीडिया से बातचीत करते हुए तनवीर खान ने सफाई भी पेश की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तनवीर खान। ऐसा है, किसी के हाथ में चेयरमैन बनना या विधायक बनवाना किसी के हाथ में नहीं है। और जब से मैंने 2000 से समाजवादी पार्टी से चेयरमैनी का चुनाव लड़ा, माननीय हमारे उस समय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमको सन 2000 में टिकट दिया। शाहजहांपुर की आवाम ने सन 2000 में पहली बार चेयरमैन बनाया और सन 2006 में फिर चेयरमैन शाहजहांपुर के बने। 2012 में चेयरमैन से पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके और नेताजी के आशीर्वाद से जो हमको 2012 का पहली बार विधानसभा का जो टिकट दिया गया, उसमें पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़े। 65,500 लगभग हमको वोट मिला। 2017 में भी माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरी बार भरोसा हम पर जताया, 81,625 मत हमने पाए। और उसके बाद 2017 में भी हमारी माता जी चेयरमैन बनी और 2012 में भी जब हम विधानसभा का चुनाव हार गए और पूरे प्रदेश में सिंबल नहीं मिल पाया था, समाजवादी पार्टी ने किसी को सिंबल नहीं दिया, गंगा निशान से हम शाहजहांपुर से 57,500 मत लेकर चुनाव जीते। और उसके बाद 2017 में विधानसभा का चुनाव हम लड़े, माननीय अखिलेश यादव जी ने हम पर भरोसा जताया 2017 में दूसरी बार, तो 81,625 मत हमको मिले। तो जनता बराबर हमारा वोट बैंक बढ़ा रही है, जनता का प्यार हमारे साथ लगातार है। और उसके बाद हम जब हार गए, 19,000 से हारे थे, उस समय भाजपा की झूठ की लहर चल रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमें हर समाज हर वर्ग का वोट मिलता है और चेयरमैन हम किसी के आशीर्वाद से नहीं बनते हैं। खन्ना जी हमें चेयरमैन नहीं बनवाते हैं, खन्ना जी अपने प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं, लेकिन शाहजहांपुर की आवाम ने पहली बार जब हमें सन 2000 में चेयरमैन जिस यहाँ का सेवक चुना, मैंने अपने आप को चेयरमैन ना समझकर हमेशा एक खिदमतगार सेवक बनकर शाहजहांपुर के लोगों की मैंने जो सेवा की, उससे हमारे कामों की जनता ने सराहना की, इसलिए बार बार जनता हमको शाहजहांपुर का चेयरमैन सेवक बना रही है। हमारी माता जी को भी जब भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जयेश प्रसाद जी की पत्नी लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से, हमारी माता जी समाजवादी पार्टी से लड़ी थी 2017 का विधानसभा का चुनाव हारने के बाद, और अच्छे मत हमको प्राप्त हुए। सभी का बहुत, जनता का हम पर बहुत भरोसा, बहुत प्यार रहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरी बार भरोसा जताया। तो इस तरह से तीन बार चेयरमैन हम बने शाहजहांपुर के, चौथी बार माता जी बनी। तो फिर अगर हमारा उनसे टाई अप खन्ना जी से होता तो सुरेश खन्ना जी, पहली बात तो ये शाहजहांपुर के अंदर पहले शख्स हम समाजवादी पार्टी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, बल्कि पूरी यकीन पूरी ईमानदारी से कि जब से हम राजनीति में कदम रखा 1989 से माननीय नेताजी के साथ, जो हमने अपना नेता माना उनको, माननीय मुलायम सिंह यादव को, 1989 से लगातार मैं समाजवादी पार्टी में जनता दल से के पीरियड से पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम कर रहा हूँ। टिकट पार्टी जिसको भी देती थी पूरी ईमानदारी से हमेशा चुनाव लड़ाता रहा। और उसके बाद जब से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सक्रिय भूमिका में आए, अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जब से हमारा उनका साथ हुआ और उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया और लगातार हमारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको चाहा कि हर कीमत पर हम विधायक बने, तो कहीं पर से कोई शाहजहांपुर के अंदर हम पर आरोप नहीं लगा सकता, ना ये कह सकता है कि कोई टाई अप। ये तो जनता का अपना फैसला होता है कि वो हमको चेयरमैन बना दिया। विधानसभा का दायरा बड़ा होता है, फिर भी बहुत वोट मिलता है और ये सिर्फ नगर नगर का चुनाव होता है और हमें हर समाज का वोट मिलता है। इसलिए मैं शाहजहांपुर का, चौथी बार मेरी माता जी बनी, तो बदले की भावना से यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी ने यहाँ नगर निगम बना दिया चुनाव के बाद, जब चुनाव हम लोग जीत गए, हमारी माता जी जीत गई, तो ये बदले की भावना से क्यों नगर निगम बनाया, जब इससे पहले चुनाव से नगर निकाय के जो चुनाव 2017 में थे उससे पहले नगर निगम बनाए गए थे, जिसमें सुना था अयोध्या और मथुरा बनाए गए थे, तो उसी समय शाहजहांपुर भी बनाना चाहिए था, क्यों चुनाव कराया। जब चुनाव हो गया, हम जीत गए, पूरी ताकत झोंक दी कि हम किसी तरीके से हमारी माता जी ना जीत पाए, और उसके बाद जब जीत गई तो नगर निगम एक ही बैठक हो पाई और नगर निगम बना दिया बदले की भावना से। तो इससे ज्यादा और क्या सबूत आपको दे सकते हैं। और इस शाहजहांपुर के अंदर मैं दावा करता हूं, अगर जरा सा भी बता दे कोई शाहजहांपुर में कि तनवीर का सुरेश खन्ना यानी भाजपा के नेताओं से कोई टाई अप मेरा होगा तो राजनीति से इस्तीफा मैं शाहजहांपुर छोड़कर चला जाऊंगा। कोई साबित कर दे, एक भी प्रूफ अगर दे दे, जिस तरह से अभी जो विधानसभा का चुनाव
1,06,29 वोट हमको जनता ने दिए हैं और पसीने छूट गए यहाँ के कैबिनेट मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के नाते यहाँ के सुरेश खन्ना कम से कम 60-70 हज़ार वोटों से जीतना चाहिए था और पिछली बार वो 19,000 से जीते, जब भाजपा की झूठ की लहर चल रही थी तब 19,000 से जीत पाए, आज वो सिर्फ 9,000 से जीत पाए हैं और हमने कम से कम 3 बार उनको पीछे किया, 3 बार पीछे किया, मेरी कोई औकात की हैसियत नहीं थी, जनता के दम पर पीछे किया, हर समाज हर वर्ग का वोट मिला और अब 1,06,29 मत प्राप्त होने के बाद हम 9,000 वोटों से हारे, 30 राउंड पूरी काउंटिंग करा के आए और जबकि बाहर के अलाउंसमेंट 18वां राउंड अंदर 23वां राउंड चल रहा था और बाहर अलाउंसमेंट ये दिखाने के लिए कि तनवीर आगे होने का मीडिया को कहीं सूचना ना मिल जाए, खन्ना जी को लगातार आगे दिखा रहे थे जबकि मैं 3 बार आगे हो चुका था, उसके बाद मैं पीछे भले गया 24वें 23वें के राउंड के बाद पीछे गया लेकिन बाहर अनाउंसमेंट जो था वो नहीं हो रहा था, अंदर 18वां 19वां राउंड चल रहा था और बाहर अनाउंसमेंट हो रहा था 8वां और 9वां अनाउंसमेंट हो रहा था लेकिन मैंने बाहर मीडिया से मिला, मैंने मीडिया को आके सूचना दी कि मैं 2,500 से आगे हो चुका हूँ, मैंने बताया था कि 19वें 20वें राउंड में 21वें राउंड तक आगे चलता रहा, उसके बाद फिर ही आगे हो गए तो यानी फिर 12,000 से आखिरी राउंड पहुँच गए थे ये 26वें 27वें राउंड तक, उसके बाद फिर 3,000 वोट मैंने कवर किया, 3,000 कवर किया तब 9,000 से मैं हारा और मैं इसको हार नहीं मानता हूँ, जनता ने बहुत प्यार दिया, पूरे प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष का दबाव था और पूरी तरह से निष्पक्ष काउंटिंग नहीं कहीं कराई गई, हमारे तमाम प्रत्याशियों को जबरन हराया गया, कम कम वोटों से हराया गया और बहुत ही चुनाव के अंदर भी बहुत धांधली की गई है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि उनका उनका समझौता हो गया कि एक वो चेयरमैन वो विधायक तो कौन विधानसभा जाना पसंद नहीं करेगा, विधानसभा जाने के लिए ही कम वोटों से मैं हारा हूँ, विधानसभा मैं पहुँचते पहुँचते रह गया इस बार, जनता ने बहुत प्यार दिया लेकिन किस वजह से रहा कुछ कहीं पर कमी हो गई होगी, लेकिन ये इन्हीं के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बहुत मायने हैं झूठ झूठ को उड़ाने में, तमाम मुद्दे झूठ वाले आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर झूठ झूठ कराकर सरकार बना ली, झूठी अफवाहें उड़ाकर झूठे ये झूठ बोलना और आपको मालूम है कि लोगों को बलगलाना गुमराह करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, आरएसएस के लोगों का काम ही यही है, वो डर गए खौफ खा गए कि 1,06,29 वोट तनवीर को मिल गया है और इस शाहजहांपुर के अंदर अगर कोई हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को तनवीर हरा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि तनवीर ने वहाँ काउंटिंग में कोई काउंटिंग के अंदर पैसा लेके जाता है, वहाँ तमाम एजेंट्स मौजूद, तमाम अधिकारी मौजूद, कैमरे लगे हुए हैं और मैंने ये भी नहीं देखा कि सुरेश खन्ना जी काउंटिंग के अंदर रूम में काउंटिंग हॉल में कब आए, मेरी उनसे कोई सलाम दुआ भी नहीं हुई और मैं ही पहला शख्स हूं मैं उनसे दूरी बना के रखता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि ये झूठे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ है करते कुछ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और समाजवादी पार्टी की बहुत कम कम सीटों वोटों से सीटें हराई गई हैं, वरना समाजवादी पार्टी की यकीनन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार होती है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते क्योंकि जनता ने बदलाव चाहा था, तो ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं और जब से मैंने होश संभाला है मैं विश्वास पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हूँ और हमेशा मरते दम तक रहूंगा, हम झुक नहीं सकते, हम कट सकते हैं मर सकते हैं लेकिन कभी ना बिक सकते हैं ना कभी झुक सकते हैं, हमने कभी बिकना मेरे खून में गद्दारी नहीं है, वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता का जहाँ पसीना गिरता है खून बहाने का दम रखता हूँ, जनता के लिए रात दिन संघर्ष करता हूँ, लोग जीतने के बाद शहर में नहीं निकले, हम हारने के बाद भी लोगों के दुख सुख में जा रहे हैं, गमी खुशी सभी में शिरकत कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द को समझने का काम अब भी कर रहे हैं और इसी की वजह से जनता ने हमको सराहा और इतना प्यार दिया, 1,06,29 वोट मिले हैं जिससे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी ताकतें डर गई हैं कि इसलिए आगे जो चुनाव आ रहे हैं स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि तनवीर का माहौल खराब कर दें और लोग विश्वास हम पर से उठा लें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपनी शाहजहांपुर की आवाम से कि मैं उनका था सेवक रहूंगा, हमेशा सेवा करता रहूंगा और समाजवादी पार्टी की मैं अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही की हैसियत में हर वक्त सुख दुख में सबके साथ रहता हूं, सबके साथ रहूंगा, तनवीर को कोई तराजू से सोने से तराजू से बराबर सोने से नहीं तोल खरीद नहीं सकता, चाहे सोने से तोलने की कोशिश करे तराजू के बराबर, लेकिन हमको ना कभी कोई खरीद सका है ना कोई कभी खरीद सकेगा, मैं
पैसे को तरजीह नहीं देता हूं, मैं बड़ी से बड़ी परेशानी उठा लूं, लालच नहीं करता, बिकने का काम ना कभी किया है ना जीवन में कभी करूंगा, मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, मैंने हमेशा रात दिन मेहनत ईमानदारी से करके इस मकाम तक पहुंचा हूं और जनता ने मुझे मौका दिया है, इस तरह से हमेशा मैं जनता के साथ हूँ, साथ रहूँगा। उनकी अपनी एक रिवाज बना रखा है, बुलडोज़र शब्द बार बार ला करके बुलडोज़र से गिरवा देंगे तमाम लोगों का। ये धमकाकर डराकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को प्रशासनिक दबाव बनवा कर भी वोट हासिल करने का काम किया है इस बार, ये डरवाकर कि अगर वोट नहीं दिया तो बुलडोज़र से मकान गिरा दिए जाएंगे या उनका जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को नुकसान पहुँचा देंगे, तो तमाम लोगों पर दबाव बनाकर भी वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। ये आप जानते होंगे कि हमारे रोशनलाल जी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मौजूदा विधायक हमारे रहे हैं अभी, जिनको उनके साथ भी बहुत बड़ी धांधली की गई और उनके ऊपर मुकदमे लिखाए गए और आज भी उनके ऊपर उनको धमकाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं, हम हर तरह से संघर्ष करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी भी लगातार संघर्ष अब भी कर रहे हैं, जनता के बीच अब भी जा रहे हैं और लोगों के सुख दुख में शिरकत कर रहे हैं और लोगों की बात को सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रहे हैं। करारी मात मिली है समाजवादी पार्टी को, एमएलसी चुनाव कैसे जीत लेंगे आप सरकार? करारी मात नहीं कहेंगे इसको, वोट आप परसेंटेज पूरे प्रदेश में बढ़ा है, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया है, अखिलेश यादव जी के से जनता खुश है, जनता बदलाव चाहती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में हम बता रहे हैं बार बार कि हमारी बहुत से हमारे प्रत्याशियों को बहुत कम वोटों से रिकाउंटिंग कराकर बैलेट पेपर की रिकाउंट, जबकि पूरे प्रदेश में बैलेट पेपर से हमारी समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हराने का काम किया है, इतनी सीटें हरा दी कि अगर उनको मिला लिया जाए मौजूदा सीटों को इस समय, तो बहुमत से ऊपर की सरकार बन रही है। थैंक यू।